हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल कैसे ओपन करते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, उसके लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब में। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। राइट साइड में चलिए और यहाँ देखिए, ये है टेक्स्ट का ऑप्शन। ठीक है, इसके ड्रॉपडाउन पर क्लिक करिए तो नीचे आपको फिर से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और सबसे लास्ट आपको मिलता है ऑब्जेक्ट। ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो हमें क्लिक करना है क्रिएट फ्रॉम फाइल। ठीक है, ये हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करना है। तो जब आप ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि कौन सी वर्ड फाइल आप ऐड करना चाहते हैं। तो ये देखिए, डेस्कटॉप पर हमने यहाँ पर एक सैम्पल पीडीएफ बना रखी है, सॉरी सैम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बना रखी है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और नीचे से इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पर फाइल आ चुकी है। उसके बाद नीचे से ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल यहाँ पर आ गई है। आप अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वापस ओपन हो जाएगा। चलिए डबल क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेल के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन हो गई और बाहर क्लिक करते ही वापस से एक्सेल आ जाएगा।